और ताऊ ने बताया भाई थोड़ा हा आशय का भी काम चाहिए। पाछा इलेक्शन था, इलेक्शन में सारे सरपंच दारू पिया हुए, लुगाई गांव की इकट्ठी होके गई सरपंच और आ रहे सरपंच, अरे तुम मनसा तो दारू पिया हुआ मामे के तेरे वोट कौन दें दी, मारा खातर भी कि मैं कर सरपंच लाया कहना ताई था मैं घूंट तो लेंदी को नहीं, एक काम कर दू के तमने गंगा नुआ लिया, अरे जमाए भाग वाला गंगा नुआ लिया होगा लेता ही, फिर एक काम करिए तड़के ने दो बस भेज दूंगा चौक में और दो की दो लुगाई की भर दियो, इन लुगाई आपस में आस पड़ोस में बतलाई कुंबा में बतलाई बगड़ में पात चली, दो बस आऊंगी भाई सवेरे और वह धनु भरनी, ये नई नई सी बहू आपस में बतलाई आए आप तो सारी एक बस में बैठ लेंगे, बुढ़िया बुढ़िया ने एक में बिठाए दो, वह सासू सासू एक बस में कर दी और बहू बहू एक में होगी, गंगा नहा चले गए और हरिद्वार जाके गंगा में अर्की पैड़िया में गोता मारे, सारी लुगाई बोले जय गंगे माई जय गंगे माई, बलाओ रे सरपंच तेरा तने गंगा नुआ दी अगली योजना फिर तने वोट देंगे मान दो, जय गंगे माई जय गंगे माई, एक 70-75 साल की बुढ़िया कि मैं जाडा का मौसम गंगा का घना ठंडा पानी और सारी लुगाई करें जय गंगे माई जय गंगे माई, अरवा बुढ़िया मार के गोता नो मैं तो हुए आई मैं तो हुए आई, सारी लुगाई गंगा ना के चल पड़ी सासू वाली बस में तो सासू सासू बैठ ली, बहू आई मैं बहू बैठ ली, दोनों बस चल पड़ी हरिद्वार पे थोड़े लिगड़े जैसा सूत बैठा भगवान के होए करने, वह जन सी बस आ गई सासू वाली वह मुंदी मर गई सारी ये सासू मर गई, पाछा तो बहू वाली बस आई देखी सारी सासू मरी पड़ी सारी रोन लगी, आए इसी बार गाली सासू पानी नहीं इसी बार गाली सासू कदे सुद्दी ने भी नहीं ठाए कर दी, एक सियाणी लुगाई लगी कहने क्यों रो ये तो माटी हो ली एक दिन सबने जाना है, बुढ़िया थी ये तो कोई बात नहीं उम्र भी हो रही थी चुप हो जो सारी चुप होगी, एक बहु रोन तो नहीं हटा बस की छत का लगा जा जगह लगी कहने आए सारी चुप होगी तेरी को न्यारी सासू थी, वन्यो बोली ए मैं मरी हुई है ना को नहीं रोंदी और मेरे वाली घर आए रह ली कल के लिए काम करे, अरे एक मानस ईसा हुआ समाज का पीसा खाते जो अगर भाई प्रदीप गिल ने बताया था, एक मानस समाज का कट्ठा करे अगर आप पीसा खाते, लेकिन दोनों मंत्र है लाल बहादुर शास्त्री ने तो नारा दिया था जय जवान और जय किसान का, मेरे देश के जवान का क्या झोली फैलाई दिया मेरे देश के जवान, तेरे को वर्दी दूंगा तनख्वाह दूंगा सेवा दूंगा तू सीमा पर खड़े हो जाए, देश का जवान सीमा पर चला गया किसान का क्या झोली फैलाया मेरे देश के अंदर का, तेरे को खाद दूंगा बीज दूंगा ट्रैक्टर दूंगा रो दूंगा मेरा देश अनाज तक भूखा इसका पेट भर दे, जब ये भोला गुरु का कमान जुट गया जिस किलो में 10 मन की औसत पड़े कर दी 120 मन कर दी 70 मन धान और 50 मन कनक तो इस भोला परिवार ने कर दी, लेकिन फिर जितना कमाया उतना ही टोटा आया कि मैं सरकार की नीत खराब सरकार ने कानून खराब इस समाज को पीसने का काम करया, मेरी तो आपका हाथ जोड़ का पील है भाई सबसे बड़ी ताकत है तो भाईचारा है, अगर भाईचारा बनाकर चलोगे किसे सरकार की इतनी ताकत नहीं,
आप लोगों ने दबाए तो किसी सरकार की इतनी ताकत नहीं आप लोगों के ऊपर गिरडी फेर सके अगर भाईचारा बनाओगे। और एक जमींदार का टोटा आ गया जोड़ी था गया चल पड़े फांसी खान खातर रास्ता में होनी आएगी अगर तू कौन है न्यूबिला में टोटा जमींदार न्यूबली कतौड़ चलिया तू कौन है न्यूबली में होनी न्यूबली कतौड़ चलिया जोड़ा ठग है न्यूबलिया बालक भूखे देखे को नहीं जानते फांसी खाऊंगा होनी न्यूबली तेरा टेम को नहीं आ रहा टेम बिना मानस सह को नहीं सकता न्यूबले ही बिखा जो फांसी बह जाएगा टेम न्यूबली ना को नहीं जा सकता। मैं एक काम कर सू मैं हूं होनी और किसे अगर बताइए ना तो ना बैद बना दू जिसका मैं पेंदे खड़ी दीख जू उसने तो राख की चुटकी दे दी घोड़ा फुंजड़ भर का ठीक ठाक हो जाएगा और जिसका मैं तेने सरियाना खड़ी दीख जू उस तेन कह दिए कड़ी ले जाए यू को नहीं बचता भाई और मैं तन्ने तन्ने दिखूंगी। एक उसने भी सोचे भाई वैदगिरी से क्या हुआ है रोजगार का सर करे है टेम तरह है कोने रहा चलो इपड़िया रुका भाई प्योदा गांव में है। एक बात जे मानस मरा तो वजह तो बता दे और बचा जे तो बता दे ए बुश्ती भी ढाला पड़ गया जिसके पेंदे खड़ी थी कि उसने राख की चुटकी दे दे ठीक जिसके सिरहाना होनी थी कि उस दिन उगा दे कड़ियां ले जाइ को नहीं बचता बड़ी बड़ी बिल्डिंग छैप दी बैरक छैप दी तीर्थ बना दिया सजन एक दिन फिर टेम उस बैद का भी आना था होनी आके सिरहाना खड़ी होगी और उठ के नुमे तो पेंदा गाणी हो जाए निबलिया वैदगिरी सीख रखी मना होनी लगी कहना अच्छा मेरा भी वैदगिरी सीख के मन तकलीफ देगा एक नोर बुला ले तो हैगी एक नुन्ने खड़ी होगी एक नुन्ने मलम खाट कर पीछे बीच न्यूर न्यू हो गया होनी बड़ी घनी तकलीफ दे होगा दो नोर बुला ले चेहर होगी सुगर तो खड़ी होगी खाट के छोड़ का गोल मैया करके डेवा गैट लिया पैर तो बालक आए खेत क्यार में तो लगे कहन भाई बापू का तो तकलीफ होगी सीधा करो बापू ने और बूढ़ा मारा रुके रहा मैं ठीक सु मन नाम रुआओ ना भाई बापू का तकलीफ दिल में फर्क आ गया सीधा करो थोड़े बूढ़ा मारा रुके रहा मैं ठीक सु नाम रुआओ रे मन नाम रुआओ बड़ा छोरा लाया कहने बोले भाई बैर मरीज बैठे जब उन्हें बेरा पटिया बैठ देगा तकलीफ हो रही है सारे बात देंगे थोड़े सीधा करो सीधा करके बूढ़ा ऊपर को रह सर दी होनी कान में निबली बरीब के जपता है निबलिया तेरे नी काबू माऊ का कुणबा लाए कमर हुआ है इसलिए आज जोड़ का पील है अपना कुणबा अपने में एक आधा चौधरी तड़े तड़े जड़ कटते जावे एक आधा भाई की ऐसा काम नहीं होना चाहिए। कैसे पहले नंबर पे क्या लिखा देश में करते करते भरे गए नाम ना भूले आजादी का वो मरते मरते मरे गए आजादी आजादी करते करते भरे गए
मांग है, ईवीओ इलेक्शन था, इलेक्शन में सारे सरपंच वोट मांगे, सारा दिन वोट मांगे, रात के 2 बजे सोए, सारा दिन ताई वोट दिए, सासी वोट दिए, ताऊ वोट दिए, भाई वोट दिए, सरपंच 2 बजे आके सोया करा, सुबह उसकी घर आई, आई चा लेके आके ले जी चा पी लो, अरे सरपंच रात में 2 बजे तो बेचारा पड़िया सारा दिन वोट मांगे, घर आई ने न्यू कह दे ले जी चा पी लो, सरपंच निंदा में धन्य बोले बेबे जा तो रहने दे वोट दे दियो, यो ऑटोमेटिक सिस्टम बन जाए। बूटा के बालक ले करते दिल्ली और बूटा दूसरा बूटा तो बतला ने बोले बे गिरदा ले बालक दिल्ली रहे हर पोता पोती ने फेटन ने करड़ा जी करया ने बोले बे बिक जाए ने बोले बे कुकर बिक जूं कर कदो को नहीं बेरा मना कड़ा रहे है और दूसरा बूटा चालबाज था ने बोले तेरी गोज में पर्ची बना के गल दूं ने बोले बे दिल सा नहीं मानदा ने बोले रे तू पीरा गड्डी लग तो जाए रे हां बोले हम पीरा गड्डी लग बिक जूंगा आगे आगे के पीरा गड्डी बस स्टैंड पे बिक जिए 8 नंबर बूथ पे बस लाग नहीं पाओगी और तेरी गोज में पर्ची दे दूंगा कनेक्ट दे पर्ची पकड़ा दिए दूर तेरा छोरा बनना का तारेगी अच्छी बात भाई उसने मजाक मजाक में पर्ची बनाई थी बूढ़ा ही गोज में गल दी बूढ़ा पीरा गड्डी लग बिक यार गोज का हाथ लाया कदे पर्ची डह पड़े क्यों पर्ची की मरोड़ पीरा गड्डी भी गया 8 नंबर बूथ पर बस लाग रही बस में चढ़ लिया थोड़ी दूर बस चली कनेक्टर आला गया कहता हूँ टिकट ले ले बूढ़ा ने पीछे पाछे दिए पहला पर्ची पकड़ाई फिर 100 का नोट दे दिया कनेक्टर देख के पर्ची ला गया कहता हूँ कड़े जाएगा ने बोला बेटा पर्ची देख ले कनेक्टर ने पर्ची देख ली ने बोला ताऊ कड़े जाएगा अरे कह दिया पर्ची कनेक्टर लाल पीला हो गया छोमा हो गया वो पर्ची भी मेरी भगा गया 100 का नोट भी मेरा भगा गया पर्ची पे नू लिख रहा क्या तारा बटे उठा ली है कड़ी ले जाए ऐसे दूसरे नंबर पे क्या इतिहास है शेर का सीख ले ले गए इतिहास रचता गया पढ़े लिखे गया और नहीं तो आजकल वाले थोड़ा एक सारे बैठे हो आप तो हाथ जोड़ के अपील है जे किसी के बालक कॉलेज में जाना चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो अपने बच्चों के फोन जरूर चेक करिया करो भाई किस दिशा में चल रहे हैं लेकिन आप थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे इन चीजों पर फिर बाद में अगर कोई उत्सुक हो जाए नोनी हो जाए फिर बाद में दोष देवा इसलिए हाथ जोड़ का पीले थोड़ा तो फोन आने सिस्टम में खराब कर दिया और किसी का नया नया फोन लग गया था डोरी वाले फोन होए करते लैंडलाइन
करा लुगाई ठाया कर दी फोन में लुगाई की सी आदत बन गई मास्टर जी किसी का फोन आ उठा दिए फोन हेलो बेटे हेलो बेटे बस और सब तेरी हेलो बेटे। एक दिन उसका घरवारी कैथल मंडी में जा रहे हड़ती वाला फोन पता कर हाँ फोन कर दिया लुगाई ने फोन ठाया ठा दिया फोन हेलो बेटे जब जरा बागारी पहला आवाज सुन लिया अगर मैं बोलू हूं अच्छा जी आप थे तो सॉरी बेटे थोड़ा बदलाव और स्कूल टाइम पे पहली बार कहीं छुट्टी होगी और उसके बस्ता मारा उसके बैग मारा किलकी मारा खुशी मना रहे मगर आज कौन सा बेटा खुशी का दिन है स्कूल टाइम पे पहली तारी छुट्टी होगी तो हम इतनी खुशी मनाओ। एक छोरा मेरा कान में निकला मारा स्कूल में आग लगी मगर उठ के उठ पढ़ाई मर जा ना सरकार की संपत्ति जड़ी तो हम इतनी खुशी मनाओ निबला बाढ़ में जाओ सरकार की संपत्ति छह महीने तो पहली तो स्कूल बंदा नहीं खुलकर क्रिकेट खेलिया कराने थोड़ी दूर गए एक छोरा बैठा बैठा रोन लग रहा माले भाई इसके स्कूल चला दुख से जरूर मैं उसका तो रह जाएगा माँ कोई बात नहीं बेटा रोया नहीं करते मैंने बेरा हर तरह के दुख से तारा स्कूल चढ़ गया पढ़ाई मर जा ना होने बोला ना मेरा दुख तो भी तेरे रह लिया माँ तेरा ही सा के दुख था भाई निबला स्कूल तो चढ़ाई था जे मास्टर भी माई सरसा को टोकनी ही नहीं था ये आजकल के बड़ कई सोच है लेकिन भगत सिंह ने केक के कराया कैसे क्या लिखा जब छह साल का होया भगत सिंह छह साल का होया भगत सिंह ध्यान दूसरा फिर गया अंग्रेजा के थप्पड़ मारिया जोश गात में पर गया पढ़े लिखे गया बीए कर ली फिर करने छोटे डगर गया दस पंचा की बना कटोरी वो तो नाम देश में कर गया दस पंचा की बना कटोरी सुना जी सुनो सभी नर